हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आप लोगों को अच्छे से मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, थोड़ा काम चल रहा है तो इससे शोर हो रहा है। तो हम लोग उठ चुके हैं और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है। आशीष को मैंने अभी दही लेने भेजा है, तो अभी वो आ जाएंगे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड आप लोगों से आज बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और जो बाहर शोर हो रहा था लिटरली थोड़ा सा कम हुआ है। पहले बहुत ज़्यादा हो रहा था, मैं तो उसमें सर में दर्द होने लग गया था, अभी शोर थोड़ा कम है। और मुझे आप लोगों से जो बात करनी थी वो बात ये है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद आप लोगों को पता होगा, जिनकी शादी हो रखी है और जिनको नहीं पता है उनकी मम्मी वगैरह के बारे में, उनको पता होगा कि जब भी शादी होती है उसके बाद जो आधार कार्ड होता है हमारा, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है, उसको अपडेट करना होता है। जैसे कि आपके पापा के नाम के बजाय आपके हस्बैंड का नाम आ जाता है और एड्रेस भी आपका ससुराल का आ जाता है। तो लिटरली मेरी शादी को 1 साल हो चुका था, बट मेरा वो आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं करवाया था हमने। उसमें कुछ प्रूफ मांग रहे थे, शादी का सर्टिफिकेट वगैरह, बट वो हमारे पास नहीं था। तो अभी आशीष ने फिर खुद ही एक फॉर्म फिलअप किया, मतलब बहुत सारा प्रोसेस चला इसको करते करते, कम से कम 1 महीना हो गया। उसके बाद अब जाके हमारा आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। आशीष ने कोई फॉर्म भरा एंड उसके बाद उसमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए था, उस फॉर्म को भर के फिलअप किया और फिर ऑनलाइन खुद ही घर में ही लैपटॉप से उन्होंने मेरा आधार कार्ड अपडेट करवा दिया है। वो फाइनली बन गया, वो घर चला जाएगा। तो अभी मैं आपको लैपटॉप में दिखाती हूँ जो मेरा न्यू आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। हे गाइस, कैसे हो आप सब। और सबसे पहली बात, मेरी टांग अब ठीक है, जो चोट लगी थी अभी हल्का दर्द है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, चल पा रहा हूँ मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो निक्की का आधार कार्ड था उसको अपडेट करने के लिए दे रखा था, क्योंकि इसके जो एड्रेस था इसके आधार कार्ड में वो चेंज करवाना था, बट हमारे पास कोई एड्रेस प्रूफ था नहीं। ठीक है, तो इसने जो मैंने इसका आधार कार्ड चेंज करवाने के लिए था, उसका जो यूआरएल नंबर होता है जिससे हम चेक कर पाते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं है, वो इसने घुमा दिया। इसके फोन में मैंने फोटो खींची थी, कहाँ है वो फोटो? कौन सी फोटो? ये देखो, मैंने उस यूआरएन नंबर जो मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें एक यूआरएन नंबर मिला था जिससे हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो वो फोटो आपको इसने डिलीट कर आपको दी। आपको तो मुझे बताना चाहिए था ना कि तेरे फोन में रखी हुई, मुझे क्यों पता क्या है, मैं तो डिलीट कर चलो दूंगी। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो गाइस, कोई भी अगर अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको चेंज करवाना चाहता है और उसके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो इस पे हमने एक सेपरेटली वीडियो बना रखी है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उसको भी। और उस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से विदाउट एड्रेस प्रूफ अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसको चेंज कर सकते हैं, या आप उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो जो है अपना आधार कार्ड में जो है एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं। तभी चेक करते हैं इसका आधार कार्ड बन गया कि नहीं बन गया, ये वाली क्लिप भी डालेंगे, ठीक है, कौन सी जो बन क्लिप? रही है। तो यहाँ देखो, जिस दिन से इनके पैर में चोट लगी अभी ना तो मुझे मारते हैं और ना मेरे पीछे भागते हैं। क्यों भागने में सुंदर होगी मेरे पीछे? चोट लगी थी ना गाइस, आपको? अगर किसी के पास आगरा पागल खाने का नंबर है तो प्लीज इसको व्हाट्सएप पे, इसको व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो, इसको भी वहां भिजवा सकते हैं। हाँ, इनको भिजवा सकते हैं जिनके चोट लगती है। तो गाइज, लगभग 3-4 दिन हो गए मैंने अपडेट के लिए दे रखा था इसका आधार कार्ड, तो चेक करते हैं इसका आधार कार्ड बन गया या नहीं। ओ, बन गया, तेरा आधार कार्ड अपडेट हो गया, एड्रेस वगैरह। बन गया, हाँ मेरे को पता था, मैंने आपको बोल दिया था ना बन जाएगा। तो गाइज, फाइनली इसका एड्रेस चेंज हो चुका है आधार कार्ड में। मेरा आधार कार्ड बन के रेडी हो चुका है, इन्होंने फाइनली बना ही दिया। मैं तो बीच में तो ऐसे ही सोच रही थी कि नहीं बनेगा, क्योंकि प्रूफ चाहिए था बहुत गाइस, सारा। हमने बहुत मेहनत की है इसलिए, हम बहुत सारे आधार कार्ड सेंटर में गए बट उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा, तो फाइनली हमने बहुत चक्कर काटे, पहले इसका नंबर जो है वो अपडेट करवाया आधार कार्ड के साथ, क्योंकि इसका जो पुराना नंबर था वो कहाँ गया था, वो गुम हो गया था या हाँ, बंद हो गया था। बंद हाँ, हो गया। तो इसका पहले नंबर अपडेट करवाया, फिर मैंने कहा एड्रेस चेंज हो जाएगा, बोले नहीं एड्रेस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई एड्रेस प्रूफ था नहीं। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसका एड्रेस जो है चेंज करवाया है आधार कार्ड में। तो जैसे तैसे करके फाइनली इन्होंने बना दिया मेरा आधार कार्ड, कोई फॉर्म फिलअप किया और उससे मेरा आधार कार्ड बन गया। तो अगर किसी और को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, वो नीचे कमेंट कर सकता है, अगर किसी को बनाना है हम बता देंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती। बट सही हुआ कि फाइनली बन गया और सब इनकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो वेलकम। मच।
आजकल नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि रात को थोड़ी सी एडिटिंग भी रह गई थी और फिर एक वीडियो शूट की थी उसको एडिट की, तो 2-3 बज गए थे सोने में, तो लेट हो गया था, तो अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी। तो अभी मेरी आँख लगी और मैं बेड पे गिरी और मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, तो अभी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अभी हमने लंच बनाना है, अभी लंच किया नहीं, तो अभी लंच बना लेती हूँ। भाई साहब गर्मी इतनी है ना यहाँ, बाप रे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ देख सकते हो आप कितनी तेज धूप पड़ रही है, इतने गंदे वाली गर्मी हो रही है ना यहाँ। देखो पसीने से हालत खराब, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो अभी चलते हैं किचन में, फिलहाल मैं कुछ बना लेती हूँ। ओ भाई इतनी गर्मी, पैर पूरे जल रहे हैं। तो अभी हम रील्स बना रहे थे अंदर, तो एकदम से लाइट चली गई और हमने बाहर आके देखा कि मौसम इतना सुहावना हो रखा है। यहाँ देखो ठंडी ठंडी हवाएं। आप अपना शक्ल भी दिखा दिया करो व्लॉग में ज़रा, पता नहीं क्यों कहाँ खोए रहते हो। वैसे गाइस मैं कैसे लग रही हूँ? इसकी तारीफ करना बंद करो। क्योंकि इनके इनके लिए छोड़ दो, सारी तारीफ यही करते हैं। तो गाइस ये बताओ, व्लॉग में ज्यादा मुझे आना चाहिए या इसको? दोनों को मतलब 50-50 आना चाहिए। 50 नहीं 100%। हाँ तो आते क्यों नहीं, अब तो 0% भी नहीं आते। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चाय कि भी ठंडी ठंडी हवाएं मुझे पागल बना रही हैं। इनके बाल कैसे उड़ रहे, फुर फुर फुर, धूल की बाल छगना बांध। तो गाइस जिसको निक्की को जिस चीज को देख के सबसे ज्यादा डर लगता है वो चीज आ गई है। बिल्कुल निक्की की शक्ल से मिलता जुलता भी इनकी दिखाता हूँ बातों को मैं, इग्नोर करो, ये सबसे सबसे ज्यादा इस चीज से डरती है। मेरी तारीफ कर लो। मैं बताती हूँ क्या हुआ था, क्या सीन क्रिएट हुआ, मैं बताती हूँ। अभी ऊपर वहाँ टंकी पे, ऊपर एक टंकी है, वहाँ पे ना बंदर आया और वो पानी पी रहा था। तो फटाफट से आए मेरे पास, कह रहे रुक जाओ मुझे शूट करना है, और बोल रहे कि ना निकी की शक्ल की एक लड़की दिखाता हूँ। और जैसे वहाँ के वो बंदर गायब हो गया, भाग गया वो बंदर। अब दिखाओ ना मेरी शक्ल की औरत, भाग मेरी गया वो। किस्मत ही खराब है, मैं दिखाने से पहले ही बंदर भाग गया। लेकिन अगर आएगा तो मैं शूट करूंगा उसको। और कितनी हवा ठंडी हवा, इतनी खतरनाक हवा चलती हुई। तो गाइस इस टंकी के पास था बंदर, अब वो गायब हो चुका है। लेकिन अब वो नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ गया। बिल्कुल निक्की की शक्ल क्या था वो, ऐसे ऐसे गोरा बंदर। ये राखी सावंत की सेकंड कॉपी। किससे कंपैरिजन कर रहे हो? बंदर नहीं आया, बंदर आ जाएगा भी नहीं, शर्त लगा। पता नहीं कहाँ गया। और वो जो कबूतर को जोड़ा था आज वो बहुत दूर जाके देखो बैठ मेरी रखे हैं वीडियो, यहाँ, मेरी वीडियो, लेकिन इसका सेकंड मेरी पता नहीं कहाँ वीडियो। गया। वो अरे तेरी बंदर आ गया, ओ यही तो है वो। गाइस ये देखो ये है वो। अरे गायब हो गया, बैठ गया वो नीचे। उसके भाई उसके बाल इतने खतरनाक तरीके से उड़ रहे ना, ओ देखो आपको, अगर आपको इधर थोड़ा से सा दिख रहा देखो, इधर से ये थोड़ा देखो साइड से, यहाँ पे ये थोड़ा सा किनारे इसकी पे। मुंडी मुंडी। अगर आपको भी बंदर देखना था ना, वो वहां पे दिख नहीं रहा है, तो आप इनको देख सकते हो। ये और है मोंकी नहीं, आप हो डोंकी। मैं बताऊंगा, और अगर आपको बंदरी देखनी हो तो ये है। उड़ जाएगा।
देख कैसा आया वो बंदर, इसकी टांग टूटी मैंने हुई थी। पहले ही गेस कर लिया था कि उस बंदर की तबीयत खराब है ना। मैंने पहले बता दिया था ना कि उस बंदर की तबीयत खराब होगी पक्का, और अभी उसकी शायद टांग टूट रखी है तब वो नीचे नहीं उतर पा रहा है। एक टांग थोड़ी सी टूटी हुई। को एक चीज मिली है यहाँ पे, ये तो बचपन में हमने ऐसे चार बॉक्स बना के खेलते थे, तो वही हम उसको क्या बोलते थे किसी तो मुझे यहाँ पे एक गिट्टी मिली है और मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाए, बट ये बहुत हल्के हल्के से बने, दिख नहीं रहे, तो मैं पे खेलूंगी मेरा शूट। वैसे इसको पार्टी देने बनती है तेरे को, तेरा आधार कार्ड बन गया। आपको पार्टी दो? हाँ आप ही दे देना उल्टा पार्टी। किस बात तो की फर्स्ट देखो ऐसे। ओ लाइन में आ गया, नहीं आया था, आया था, नहीं आया था, बाहर आया था। गाइस वो बंदर वहां चला गया, देखो यहाँ। तो आज मैंने लंगड़ी टांग खेला, पता नहीं इसको लंगड़ी टांग मेरे साथ तो लंगड़ी टांग बोलते हैं ना आशीष, मैं तो लंगड़ी टांग बोलती हूँ, पता नहीं वो चार बॉक्स बना के आप लोग क्या बोलते हो, प्लीज नीचे कमेंट करो। नहीं चार एक साइड बनते हैं, आठ बॉक्स बनते हैं, तो हम उसमें खेलते थे ऐसे, तो वही खेला, बहुत मज़ा आया। और आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी होती, इतनी ज़्यादा गर्मी, थैंक गॉड थोड़ी हवा चली, मौसम तो ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश आ सकती है रात को, घर बारिश हुई कल रात को, बट यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, अभी पता नहीं क्या होता है। तो बाकी तो और कुछ है नहीं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, बस ये है। वो कबूतर नहीं थे ना आज है। वो बंदर भी पता नहीं कहाँ गया, आया था, उसकी बेचारे की टांग शायद पता नहीं कैसे टूट गई, चल भी नहीं पा रहा था वो। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ओके बाय, लव यू।